हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट सौरव एंड वेलकम अगेन टू अवर चैनल एक्सप्लोर योर प्रॉपर्टी। आज हम लोग जा रहे हैं ताज एक्सप्रेसवे पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिखाने सेक्टर 18 और 20 जो कि पड़ते हैं यमुना एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे के जस्ट अलोंग। और जो मेन मकसद है फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने का वो ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से आ रही हैं। इंडिया का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो इसी महीने में जो है उसका इनॉग्रेशन होना है बाय पीएम मोदी। सो इन्हीं चीज़ों से रेट जो है वो बहुत तेजी से अप्रिशिएट कर रहा है और ऑल ओवर इंडिया से जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन प्लॉट्स में हो रही है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। अभी हम लोग ताज एक्सप्रेसवे पे ही हैं और आपको लेके चलते हैं प्लॉट्स की तरफ। गाइस, दिस इज 0 किलोमीटर ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे और हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स द सेक्टर 18 एंड 20। आप दो बोर्ड अभी देख रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आगे जाके आने वाला है एंड सेकंड जो आप देख रहे हैं वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे। तो दिस इज कंसीडर्ड एज अ 0 किलोमीटर पॉइंट। यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है करीब 15 से 16 किलोमीटर जिसमें इतना ही टाइम लगेगा, 15 से 16 मिनट। और सेकेंड एग्जिट जब हम लेते हैं तो गौर यमुना सिटी से पहले पड़ता है सेक्टर 18 जिसमें आपको डिफरेंट साइजेस के डिफरेंट रेट के प्लॉट्स मिलेंगे जो हम आपको अभी आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जिट 2C पे। अभी हमें एक्सप्रेसवे से अब लेफ्ट की तरफ जाना है ताकि हम सेक्टर 18 जो है रेजिडेंशियल सेक्टर वहां पहुंच जाए। सो वी विल बी टेकिंग दिस एग्जिट। की एंट्री रोड है, हम जैसे ही हमने एग्जिट ली उसके बाद हम सर्विस लेन पे आए और सर्विस लेन के बाद हमारी ये एंट्रेंस आ गई है। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ सेक्टर 18 रेजिडेंशियल प्लॉट्स जैसा आप देख रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स बने हुए हैं A to I। फाइनली हम सेक्टर 18 में पहुंच चुके हैं और जो ब्लॉक्स हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे दैट विल बी ब्लॉक I एंड ब्लॉक J। आमने सामने है ये दोनों, ब्लॉक I है और ब्लॉक J है। ये सिर्फ आपको हम एक एग्जांपल की तौर पे समझाएंगे कि ऐसे ही बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, आपने बोर्ड पे भी देखा A से लेके J I तक ब्लॉक्स हैं। सो क्या क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो चुकी हैं आई विल बी शोइंग यू दैट फर्स्ट। कि सबसे पहले यहाँ पे जो सीवेज है और लाइट्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है। उसके बाद मार्केशन जो है प्लॉट्स की वो भी दे दी गई हैं। सो जो भी प्लॉट्स यहाँ पे हैं उन सब की मार्केशंस हैं, सबको अपना अलॉटमेंट पता है कि हमारा जो प्लॉट है वो कहाँ पे हुआ हुआ है। अगर फ्रेंड्स मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो मार्केशंस भी हो चुकी हैं सारे प्लॉट्स पे, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं 703 नंबर, 702 नंबर, ब्लॉक ये जे है। सो जे ब्लॉक में 703 702 उस साइड वाला है, 3 इस साइड वाला है, ये 300 मीटर के प्लॉट्स हैं। तो मार्केशंस हैं, अलॉटमेंट हो चुकी है इन प्लॉट्स की और ये अलॉटमेंट हुई थी यमुना अथॉरिटी के द्वारा, एडा जिसको बोला जाता है, यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके द्वारा अलॉटमेंट हुई थी 2009 में। रेसिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो ये आपको 4 सेक्टर मिलते हैं मेनली यमुना एक्सप्रेसवे पे। अभी सेक्टर हम 18 में हैं, इससे आगे सेक्टर 20 है, दो ये हो गए 18 और 20। सेक्टर 17 और सेक्टर 22 में भी आपको रेसिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स और भी हैं जिसमें आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिलते हैं। तो सेक्टर 18 की अभी हमने आपको जैसे डिमार्केशंस दिखाई, इसकी जो डेवलपमेंट्स है वो दिखाई, ये सबसे पहले सेक्टर पड़ता है अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं रेजिडेंशियल के तौर पे। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे सामने ये गौर यमुना सिटी है तो ये इससे भी पहले पड़ जाता है सेक्टर, और इसमें पानी की टंकी वगैरह जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स है वो भी ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड हैं। और जो सामने आप एक और पानी की टंकी देख पा रहे होंगे अगर, तो वो पड़ता है सेक्टर 20।
लॉट से सारे सेक्टर्स में इनका अलॉटमेंट एडा के द्वारा किया गया है, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये एज अ जैसे डीडीए में आपको दिल्ली वगैरह में फ्लैट्स मिलते हैं, वैसे इनका अलॉटमेंट हुआ है। सो जितने भी ये प्लॉट्स हैं ये सारे आपको रीसेल में मिलते हैं, इसमें कुछ भी फ्रेश नहीं है क्योंकि ये पहले ही अलॉटेड है। अब स्टेजेस अलग अलग हैं, कुछ प्लॉट्स हैं उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, कुछ का अलॉटमेंट मिल चुका है, कुछ की रजिस्ट्री नहीं हुई है। सो उनका रेट भी उसी तरह से होता है जिस कंडीशन में वो प्लॉट है कि अलॉटमेंट हुई है, रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, इस पे रेट इनका डिपेंड करता है रीसेल में। अब हम साइजेस की बात कर लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे छोटा जो साइज शुरू होता है वो 120 मीटर से होता है, उसके बाद आपको 300 मीटर का प्लॉट मिलता है, 500 मीटर का मिलता है, उसके बाद आपको 1000 मीटर और 2000 मीटर, ये हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल में जो शुरू होता है वो 500 मीटर से होता है और 5000 मीटर तक जाता है। पीरियड है आज की डेट जो है और जिस टाइम पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इसी महीने, इससे थोड़ा सा आगे जाके जेएन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यू कैन से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका शिलान्यास होने वाला है, जो कि पीएम मोदी करने वाले हैं। ये पिछले महीने होने वाला था लेकिन तालिबान का जो मुद्दा है उसकी वजह पीएमओ के पास टाइम नहीं था उसकी वजह से, सो वो थोड़ा सा डिले हो गया, इस महीने हो जाएगा। उनमें सारे डिमार्केशंस वगैरह हो चुका है इस टाइम पे पूरा उसका मॉडल तैयार हो गया है। हमारे चैनल पे वीडियो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं एयरपोर्ट के मॉडल के लिए। और फ्रेंड्स एक और मैं लिंक शेयर करूंगा जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि पूरा यमुना एक्सप्रेसवे पे फ्यूचर में, अभी और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट्स आ चुकी हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स आने वाली हैं यहां से लेके और जेवर टोल तक। अलॉट हुए थे 2009 में तो इसका रेट बहुत ही नॉमिनल था, 7-8 हज़ार रुपये मीटर था। और आज जो इसका रेट है वो रेट करीब करीब जो है 22-23 हज़ार रुपये मीटर, आपको 300 मीटर का एक प्लॉट मिलता है। इसके एप्रिसिएशन के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि फिल्म सिटी, एयरपोर्ट और यहाँ पे आसपास बहुत सारी अलग डेवलपमेंट्स, ये रोड आगे कनेक्ट हो गया लखनऊ तक के लिए और भी आगे कनेक्ट हो रहा है। लोग बात करें फर्दर, अगर इसी साल को हम पूरा मेजर करें अभी तक, तो जनवरी में जो प्लॉट्स हैं इनका रेट समवेयर अराउंड 13,000-14,000 रुपये मीटर था, जो कि अभी 23,000-24,000 रुपये मीटर हो गया है, 10,000 रुपये मीटर अप्रिशिएट कर चुका है। और अगर इस साल के एंड तक एक्सपर्ट की हम लोग माने या हम लोग जिस टाइप से मार्केट का सिनेरियो देख रहे हैं, जैसे ही एयरपोर्ट का इनोग्रेशन होगा उसी वजह से सारे रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका 300 मीटर का प्लॉट जो आज आपको 60-65 लाख से शुरुआत होती है मिल जाता है, वो 1 करोड़ को टच कर जाएगा। सो फ्रेंड्स रेट्स की बात हो गई, सारी बातें हो गई। अगर फर्दर आपको कोई भी डिटेल चाहिए सो वी डील इन दीज प्लॉट्स रिसेल में, हमारे पास फाइल्स हाथ में होती हैं। एक दो टाइप से काम होता है रिसेल में, एक होता है कि आप दो पार्टियों से मीटिंग करते हैं, ओनर एंड बायर दोनों मीटिंग कर रहे हैं, हम उस टाइप से काम नहीं करते। हमने खुद प्लॉट्स खरीदे हुए हैं सो हमारे पास वी आर द ओनर्स, सो यू कैन डायरेक्टली कम टू अस, यू कैन कॉल अस एंड वी कैन सिट ऑन टेबल और हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि उसका क्या रेट में आपको डील मिल सकती है और क्या आपके लिए अच्छी लोकेशन रहेगी, कौन से प्लॉट की, वी नो ईच एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली कि कहाँ पे क्या है और क्या आने वाला है। मैं आपको एक छोटा सा और एड ऑन करना चाहूँगा कि जो प्लॉट्स के रेट हैं वो बहुत वेरी करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं कि उसके आगे रोड कितने फीट का है, 12 फीट का है या 18 फीट का है, या सेकेंडली वो कितने साइड ओपन है, या उसके बगल में पार्क है या दूसरा प्लॉट है, या वो 2 साइड ओपन है या वो 3 साइड ओपन है। तो अगर हम 300 मीटर प्लॉट की बात करें तो 60-65 लाख से लेके वो 1 करोड़ तक अभी मिलता है इन्हीं सारी चीज़ों पे बेस करके। सो
आपके पॉकेट के हिसाब से हम आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जरूर कराएंगे। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमें कॉल कीजिए नीचे दिए कैप्शन में नंबर पे, स्क्रीन पे भी नंबर फ्लैश हो रहा होगा उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। वी कैन हैव अ गुड कप ऑफ टी और अ कॉफी एंड हैव अ मीटिंग, और आपको एक जिंदगी का आपका ये सबसे अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।